नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उड़ान के रिटर्न्स कम कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे हमारे रिटर्न्स उड़ान में कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उड़ान जो है B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब इसमें होलसेल में सारी आइटम्स प्रोडक्ट्स जो है डिस्पैच और शिप्ड होते हैं, ना कि सिंगल पीस में। इसमें एक MOQ है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, जिसे 2000, 3000, 4000 हर एक सेलर डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से एक सेट करता है कि इतने तक का कस्टमर अगर ऑर्डर लगाएगा देन ही यहां से आपका ऑर्डर शिफ्ट होगा। अब इसी में भी अगर रिटर्न्स आ रहे हैं आपके, और अगर आपके B2B जैसी कंपनी में भी रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों उसकी प्रोडक्ट की इमेजेस। प्रोडक्ट की इमेजेस आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट है आपका वो ही प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आपके प्रोडक्ट कुछ और है और आपने प्रोडक्ट की इमेज कोई अपना गूगल से आपने डाउनलोड करके वो वाली आपने लिस्टिंग कर दी, नहीं। उड़ान एक अच्छा स्पेसिफिकेशन इसीलिए देता है क्योंकि उड़ान में आप अपने फ़ोन की इमेज भी सेंड कर सकते हैं कि पीछे कोई भी बैकग्राउंड हो वो भी चलेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप पीछे वाइट शीट रखें और उसकी इमेज फ़ोटो क्लिक करें और देन वहां पे आप लिस्ट करें। मेन बात यह है कि आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए वैसा ही जैसा आप शिफ्ट करेंगे, जो आप यहां पे दिखाएंगे वो आप भेजेंगे तो आपके रिटर्न के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। सेकेंड दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में उड़ान में क्या इशू चल रहा है, मेन ये है कि कस्टमर बायर जो है वो कलर मिसमैच से प्रोडक्ट को रिटर्न्स कर रहे हैं। जो कलर कस्टमर ने मंगाया था वो कलर उनके पास नहीं पहुंचा और उन्होंने जो है रिटर्न कर दिया। तो आप क्या करें, अपने टाइटल में, प्रोडक्ट के टाइटल में लिखें एनी कलर विल बी सेंड, या एजॉर्टेड कलर या मल्टी कलर, जैसा आप एक सेक्शन ऐड करें, ब्रैकेट्स ऐड करें और उसमें आप टाइटल में लिखें, तो आपके रिटर्न्स अपने आप कम हो जाएंगे क्योंकि बायर जब ऑर्डर करेगा वो देखेगा एनी कलर विल बी सेंड लिखा हुआ है तो वो रिटर्न कराएगा ही नहीं, अगर रिटर्न कराएगा तो उड़ान अप्रूव करेगा ही नहीं। अगर अप्रूव भी कर देता है तो अपने एंड से आप भी क्लेम डाल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एनी कलर विल बी सेंड या मल्टी कलर या एजॉर्टेड कलर लिखा हुआ था, तो वो अप्रूव नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थर्ड इज द पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द उड़ान, क्योंकि अगर आप उड़ान के पैकेजिंग बॉक्स में सेंड नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो अगर आपके पास खुद के प्रोडक्ट हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप गनी बैग्स में बेच रहे हैं तो उसमें बॉक्स में रैप्ड होना चाहिए। अगर आपका ऐसा मटीरियल है जो ब्रेकेबल नहीं है तो उसको आप पॉली बैग्स में भेज सकते हैं, तो उसमें कई तरीके हैं। होलसेल में प्रोडक्ट जाते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा बॉक्स लेना पड़ेगा और मीडियम साइज भी बॉक्स चलेगा, जिससे आपके जो है प्रोडक्ट चले जाएं और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कस्टमर तक अच्छे तरीके से पहुंचे, तो आपके रिटर्न्स भी नहीं आएंगे। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आपका जो प्रोडक्ट्स है मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए। मेन बात ये है, अगर आपके प्रोडक्ट्स का मटेरियल अच्छा होगा, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे और सप्लायर्स जो आपका है वो ट्रस्टवर्दी होगा जो आपको प्रोडक्ट सेंड कर रहा है, तो आपके ऑटोमेटिकली रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट्स में, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच, ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। थैंक यू।